है वेलकम एवरीवन। तो आज का वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, खास करके चैलेंजर मोड का है मैच है। और भाई शुरुआत में ही मैंने अपने विकेट गवा दिए थे भाई, शुरुआत में ही। चलो देखते भाई, देखो पहले ही गेम पे मैंने 0 रन पे एक तो विकेट गवा दिया, मतलब शुरुआत अपनी इतनी ख़राब थी। और फिर हमने जो कमबैक करा है वो यहाँ पर देखने लायक है भाई, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन सामने आ जाती है, पर वहाँ पर जो संभाल के खेलना ज़रूरी होता है। तो चलो आज के वीडियो में भाई काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो देखते रहो बस आज का वीडियो। और हाँ भाई, पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो भाई अभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो यार एकदम से अटक गए हैं भाई। तो मतलब आप लोग भूल गए हो क्या कि सब्सक्राइब का बटन भी यूट्यूब पर होता है? तो यार ऐसा नहीं है कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता नहीं हूँ, तो ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की कोई। भाई कर लो सब्सक्राइब अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो, और साथ में भाई लाइक का बटन भी दबा दिया करो और एक आध कमेंट भी कर लिया करो वीडियो पे, क्योंकि क्या है, इससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है, काम करने का जी करता है, ऐसा लगता है कि भाई चलो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम। पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता ना वीडियो पर, एकदम मतलब 0 रिस्पॉन्स दिखता है ना, तो फिर सोचते हैं कि भाई चलो यार छोड़ो, बंद कर देते हैं, तो ऐसा भाई हो जाता है। तो इससे अच्छा यार कुछ रिस्पॉन्स करना शुरू कर दो यार, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ भाई व्यूज़ मतलब 1000-1200 तो आ ही जाते हैं वीडियो पे, पर कमेंट देखते तो भाई 7-8 होते हैं, लाइक्स देखते तो भाई 50-60 होते हैं। तो मतलब ये एक चीज़ कर दो भाई, मैं कभी कहता नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब के लिए, तो इसका मतलब नहीं है कि ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब यहाँ से हम गेम प्ले शुरू करते हैं। तो एक ओवर हो चुका है, 8 रन पे हमारे 2 विकेट जा चुके हैं। अब यहाँ पे एडम जेम्पा का ओवर है और उसके पहले ही गेंद पे हमने यहाँ पे 2 रन निकाले। अब नेक्स्ट बॉल, यहाँ पे मैंने भाई 4-3-1 खेल के गलती कर दी, क्योंकि इस भाई ने यहाँ पे टॉप स्पिन डाला था और मैं यहाँ पे ड्रिफ्टर समझ के खेल रहा था, तो एक बहुत बड़ी गलती। 10 रन पे हमारे 3 विकेट जा चुके हैं और चैलेंजर मोड में हमारे पास ओनली भाई 5 ही विकेट होते हैं, उससे ज़्यादा विकेट हमारे पास होते नहीं है। तो यहाँ से हमें कमबैक करना पड़ेगा, अब यहाँ से स्ट्रोक शॉट और लॉफ्ट शॉट मिक्स करके खेलने होंगे। तो अभी हम 12 रन पे पहुँचे, 3 विकेट हमारे जा चुके हैं, तो चलो अब ध्यान से खेलना शुरू करते हैं। फिर से मैंने यहाँ पर स्ट्रोक शॉट खेला है 2-5-2 और हम फिर से 2 रन लेंगे, 14 रन पर पहुँचेंगे हम। 1 ओवर 4 गेंद, 14 रन, 3 विकेट। अब नेक्स्ट बॉल और यहाँ पे हमने झड़ दिया है छक्का, बहुत ज़बरदस्त हिट, और ये गेंद जाएगा सीधा 6 रन के लिए, 20 रन पे 3 विकेट। अब यहाँ पे फिर से हम खेलेंगे 2 रन के लिए, तो 2 ओवर में अपना स्कोर है 22 रन का। भले ही मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी ना कि अब लॉफ्ट शॉट यहाँ पे हो सकता है, तो जैसे वो गुगली पे छक्का मारा वैसे मारेंगे। अभी यहाँ पे सामने बॉलर है मार्क वुड, देखते हैं किस तरह से हम इसके सामने खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से 2-5-2 खेला है, जब जब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रोक की स्ट्रोक खेलना ही होगा, नहीं तो भाई लॉफ्ट के चक्कर में विकेट जाएंगे अगर 2 तो ऑल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास सिर्फ 5 ही विकेट है। चलो 24 पे पहुँचे, नेक्स्ट बॉल यहाँ पर लॉफ्ट करा है, पर फील्डर है यहाँ पर, रोक लेगा फील्डर, अच्छे से फील्डिंग करिए, बाउंड्री रोक ली। 26 रन, 3 विकेट, 2.5 ओवर। इस पर मैंने खेला है 3-1-1 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, यहाँ पे कोई भी फील्डर नहीं है तो चौका तो जाएगा। 30 रन, 3 विकेट, यहाँ पे फिर से भाई अच्छे से शॉट खेला है 3-6-3, तो 2 रन निकाल सकते हैं, क्या तीसरा मिल सकता है? हाँ ले लेते हैं, मिल जाएगा तीसरा रन, तो अभी चौथा भी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, बस यही चाहिए। कभी 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 ऐसे एक आध रन भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना, खुश हो जाया करो, क्योंकि बहुत होता है भाई ये भी। चलो अब, अरे भाई रिवर्स बॉल डाल दिया, 3 ओवर, 34 रन, 3 विकेट। अब नेक्स्ट ओवर है एन शाह का, पहला गेंद कर रहे हैं अपना ये, पर ये खाली जाएगा, मुश्किल हो गया यहाँ पे खेलना। अब देखते इस वाले शॉट पे क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है, क्या छक्का मिलेगा? लग तो रहा है कि मिल गया भाई, हाँ मिल गया छक्का, 40 रन, 3 विकेट।
ग्राउंड बहुत बड़ा है तो कंफर्म करना ही पड़ता है। अरे यार अभी मस्त पारी खेलना शुरू ही किया था और ये विकेट चला गया, अब लास्ट विकेट ही बचा है अपने पास। भाई 3.5 ओवर हो चुके हैं, 40 रन पे पहुंचे और अब लास्ट विकेट बचा है। चलो ध्यान से खेलो नहीं तो ये भी जाएगा हाथ से। फिर से 252 खेला है और फिर से निकालेंगे हम 2 रन। 42 रन 4 विकेट। अब यहाँ पे फिर से हम 2 रन लेते हैं, 44 पे पहुँचेंगे हम। अब यहाँ पे फिर से 2 रन ले ही सकते हैं एकदम आराम से, तो 46 तक पहुँच जाएंगे 4 ओवर में। अब आखिरी ओवर बचा है, 5वां ओवर, जो कि एस्टन अगर करने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले ही गेंद पे एक अच्छा शॉट खेल दिया है और ये गेप में जा रहा था पर फील्डर पहुँच गया, तो 48 पे ही पहुँचेंगे हम, 2 ही रन मिलेंगे। अरे भाई मिस हो गया, पर चलो 2 रन लेते हैं, पैर पे लगाए, 50 रन 4 विकेट। अब फिर से 2 रन लेते हैं, 52 पे पहुँचेंगे, 4 ओवर 3 गेंद, जहाँ तक पहुँच सकते वहाँ तक पहुँचाएंगे स्कोर को। और ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेला है फिर से, 156 आज बहुत मस्त लग रहा। अब यहाँ पे गेंद खाली और वाइड भी जाएगा, तो 59 पे पहुँचेंगे हम। अभी भी 2 गेंदें बची है भाई, देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे फिर से 2 रन ले ही सकते हैं, 61 तक पहुँच जाएंगे। 4 ओवर 5 गेंद, 61 रन 4 विकेट, और लास्ट बॉल पे फिर से अच्छे से खेल लिया, तो यहाँ पे 3 रन मिल सकता है क्योंकि फील्डर ने गुलाटी मार दी है। अब जब गुलाटी मारेगा फर्स्ट सर्कल के अंदर मारेगा तो 2 रन, और सेकंड सर्कल के अंदर गुलाटी मारा तो 3 रन, ये तो पक्का ही है। 5 ओवर ख़त्म। अब 64 रन हमने टोटल करे तो बहुत बड़ा स्कोर हो गया है चैलेंजर मोड के हिसाब से, क्योंकि चैलेंजर मोड में 60 रन बनाना लोहे के चने चबाना जैसा है। अब पहला ओवर यहाँ पे शमशी से करते हैं, और पहली गेंद पे हमें विकेट मिल गया, तो यहाँ पे पहले ही बॉल पे विकेट मिला और पूरन आउट हुए 0 रन पर। देखते हैं अभी नेक्स्ट किसको लेके आए, सूर्य कुमार यादव, अब इसको भी तो संभालना पड़ेगा अच्छे से। बढ़िया शॉट, यहाँ पे 2 रन जाएगा। देखते हैं भाई ओपोनेंट कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इनके पास बोल्ड शॉट तो काफ़ी अच्छे थे, अब यहाँ पे बच गए। ये सही गेंद डाल दिया, और भाई देखो 500 नंबर का शॉट है और यहाँ पे विकेट मिला हमें, बोल्ड शॉट था पर चलो अच्छा है विकेट मिल गया। सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पे आउट, 2 रन पे 2 विकेट चले गए इनके, तो इनको कमबैक का मौका हम नहीं देने वाले बिल्कुल भी। अब सामने जे रूट, अभी एच ब्रूक है सामने, वैसे ये गेंद खाली। अब ओवर का आखिरी गेंद, ओ भाई साहब बहुत ही जबरदस्त शॉट भाई, क्या ही खेला है। इस एक ही शॉट ने एकदम नींद उड़ा के रख दी भाई अच्छे अच्छों की, ऐसा शॉट खेला है। चलो अब यहाँ पे एक और विकेट मिलेगा, 8 रन पे 3 विकेट, तो जो रूट भी यहाँ पे आउट हो चुका है। तो यहाँ पे अपने लिए भाई बहुत कमाल की मतलब बहुत ही कमाल का काम हो गया बॉलर्स की तरफ से, एक और विकेट हमें मिल गया। 8 रन पे इस भाई ने गवाया 4 विकेट। अब इनके पास भाई लास्ट विकेट बचा है अगर ये स्कोर इनको चेज करना है तो। अभी इनके पास है जी फिलिप्स, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक ही रन जाएगा, अब यहाँ पे 2 रन जा रहे क्या, हाँ 2 रन जाएंगे। अभी इन्होंने भी स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया, अभी ये भी 2-2 रन ले रहे, अभी ये 13 रन पे पहुंचे,
देखते हैं अब इस गेंद पे क्या होता है। यहाँ पे भी दो रन लेंगे। बहुत बढ़िया स्ट्रोक शॉट खेल रहे हैं अभी ये, क्योंकि अब तो इनको ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रोक शॉट खेलने की। स्कोर बड़े ही भले ही बड़ा हो, पर फिर भी इनको स्ट्रोक शॉट खेलने ही पड़ेंगे। ये बढ़िया शॉट है, दो रन लेंगे फिर से। अच्छा शॉट, 3-3 भी है इनके पास, चार रन मिलेंगे इनको। 21 रन पे पहुंचे भाई, चुपके से 3-3 खेल दिया, बच के रहना होगा। यहाँ पे एक और गेंद खाली, बढ़िया भाई, 223 भी है इनके पास। पर ये शॉट कुछ ज़्यादा काम का लगा नहीं मेरे को तो भाई, जिनको पसंद है उनको पसंद है, पर मैं तो नहीं खेलता, 308 ही खेलता हूँ मैं फ्री वाला। अब यहाँ पे गेंद खाली, ये भी खाली, इतनी आसानी से तो रन नहीं देंगे, पैट कमिंस है अभी सामने। अब यहाँ पे भाई चलो लास्ट विकेट भी हमें मिल चुका है, और भाई 23 रन पे इनकी टीम जो है आउट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने बहुत बड़े मार्जिन से विन किया है, 41 रन से, काफ़ी अच्छा कमबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।